बेसिकली माउंटेन पास क्या है उसके बारे में पहले हम बात करते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना बेटा, जहाँ पर कंटिन्यूस रेंजेस होती हैं आपकी, कंटिन्यूस रेंजेस, ठीक है। और आप अगर किसी प्लेन एरिया में हो और आपको अगर इस रेंज को क्रॉस करना है ना, बिकॉज ये कैसी रेंज है, ये कंटिन्यूस रेंज है और काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड में ही हम लोग ये टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, पास। तो अगर आपने इसको क्रॉस करना है तो देर शुड बी सम नेविगेबल रूट यार, ठीक है। अगर आपको इस रेंज को क्रॉस करना है, सपोज़ जैसे पीर पंजाल रेंज देखा आपने, आपको अगर जम्मू से श्रीनगर जाना है तो रास्ते में पीर पंजाल रेंज पड़ेगी, अब उसको क्रॉस तो करना है। तो ऐसे रेंजेस के बीच में अगर कोई हाई ऑल्टीट्यूड में अगर कोई नेविगेबल रूट होता है, कोई पैसेज होता है, कोई रास्ता होता है, तो उसको हम लोग माउंटेन पास कहते हैं। माउंटेन पास इज नथिंग बट अ नेविगेबल रूट एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, दिस यू हैव टू रिमेंबर। पैसेज, ये रूम है, इस रूम से बाहर से जाऊंगा मैं, एक पैसेज है, दिस इज द पास, ठीक है। ये भी हम देखेंगे, बहुत सारे ऐसे पैसेजेस हैं विच आर फॉर्म बाई रिवर्स, ठीक है, तो ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं वो लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट अ नेविगेबल रूट एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। अच्छा, कंडीशन क्या एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है? कंडीशन रिक्वायर्ड है कि कॉन्टिन्यूस रेंजेस होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस रेंज होनी चाहिए। डिसकॉन्टिन्यूस रेंज होगी तो पासेस थोड़ा होंगे फिर वहाँ पर, अगर बाय द वे कोई रेंज ऐसी डिसकॉन्टिन्यूस है, यहाँ से टूटी है फिर ऐसी, तो हम लोग यहीं से जा सकते हैं ना, हम लोग इस माउंटेन रेंज को यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, तो इट इज़ नॉट अ पास, इसको हम पास नहीं कहेंगे। पास हम तभी बोलते हैं जहाँ पर हमारी कंटिन्यूस रेंज हो। तो इंडिया के अंदर जितनी भी कंटिन्यूस रेंज है, चाहे वो नॉर्दर्न पार्ट में हो, चाहे वो सेंट्रल पार्ट में हो, चाहे वो सदर्न पार्ट में हो, तो जितने भी रेंजेस हैं उन रेंजेस से रिलेटेड हम लोग माउंटेन पास पढ़ते हैं, अच्छा, तो हमने कहा था कि बेटा हम लोग नॉर्दर्न पार्ट से स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैंने एक रफ डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया था, ठीक है। मैंने कहा था पहले हम लोग सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट में ध्यान देंगे, अच्छा, अगर मैं सिर्फ जे एन के की बात करूँ तो जे एन के में वैसे तो बहुत सारे पासेज हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट पासेज हैं वो हम पढ़ेंगे, यहीं पर देखेंगे उसके बारे में कंडीशंस क्या क्या है। मैंने अभी आपसे बोला कि अगर आपको जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाना है, मैं लोकेशन बता दूँ आपको, ठीक है। सपोज़ अगर दिस इज़ श्रीनगर, अगर ये आपका श्रीनगर है, अगर आपको जम्मू वाले पोर्शन से श्रीनगर जाना है, सपोज़ यहाँ पर पंजाब में जलंधर है, ठीक है, अगर आपको यहाँ से कहाँ जाना है, श्रीनगर जाना है, तो ये जो रूट है इसको हम लोग बोलते हैं, ये दिस इज़ अ हाईवे, ठीक है। और रास्ते में एक रेंज है, एंड दैट रेंज इज पीर पंजाल रेंज, दिस इज़ नेशनल हाईवे 1A, ठीक है। अब नेशनल हाईवे के नाम चेंज हो चुके हैं, लेकिन हम लोग पुराने वाले नाम से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देर इज़ अ पास, पास आप समझ ही चुके हो, अ नेविगेबल रूट, एक अमोटरेबल रूट एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। तो यहाँ पर एक पास है, एंड द नेम ऑफ दैट पास, हाँ, बनी हिल पास, एंड द नेम ऑफ दैट पास इज बनी हिल पास, ठीक है। इस पास का नाम है बनी हिल पास, ठीक है। कौन सी रेंज में है? पीर पंजाल रेंज में है। रेंजेस रिलेटेड हमने सारी चीजें कर रखी हैं, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ी सा दिक्कत हो सकती है अभी समझने के लिए, इट्स अ फैक्ट ना, हाँ, लेकिन ज्योग्राफिकली यू शुड नो। मैं आपको लिखा नहीं सकता कि बेटा बनिहल पास इट इज़ इन जे एन के, कुछ पासेस तो डायरेक्टली लिखा हुआ है ये स्टेट्स में है, लेकिन आपको ज्योग्राफिकली दिखाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद अगर आप श्रीनगर से आओगे ले, श्रीनगर से अगर आप ले की तरफ आओगे, श्रीनगर से कहाँ की तरफ आओगे, ले की तरफ, दिस इज़ योर नेशनल हाईवे 1D, कारगिल वॉर पे इसी नेशनल हाईवे पे जो मेन एम था दुश्मनों का, एनिमीज़ का, ये नेशनल हाईवे था 1D, हैवी शेलिंग्स इसी नेशनल हाईवे पे हो रही थी, ताकि ले से मामला हमारा कट हो जाए, जो भी हमारे आर्म्स एंड एम्युनिशन है वो ले तक भी ना पहुँचे, ले ना पहुँचे तो सियाचिन कैसे पहुँचेंगे, और हमने वो पोस्ट छोड़नी पड़े और पाकिस्तान उसको कैप्चर करे। तो ये सारी उनकी स्ट्रैटेजी थी बेसिकली टू कैप्चर सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि यही एक 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 मोटरेबल रूट है जिसके थ्रू हम लोग आर्म्स एम्युनिशन या बेसिक जो एम्युनिटीज़ हैं वहाँ के लोगों के लिए, राशन है, सारी चीज़ें वो पहुँचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पास है, अगेन देर इज अ रेंज, जस्ट का रेंज मैंने बच्चों को बताया, ठीक है। तो यहाँ पर एक पास है बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पास, हाँ, जो जिला पास,
अच्छा ला का मतलब ही पास होता है, ला ला का मतलब क्या होता है तिब्बत में पास, तो मैंने अगर जोजिला भी लिख दिया तो अंडरस्टूड होना चाहिए, लेकिन यू शुड नो दैट फ्रॉम श्रीनगर टू लेह गो एक पास पड़ेगा। और हमने एक जोजिला टनल भी देखी, ऑल वेदर टनल, ठीक है, उसके ऊपर भी हमने बात करी थी। अच्छा अगर आप अब ले से इफ़ यू गो टू सियाचिन ना, तो पूरी कम्प्लीटली मोटरेबल रोड नहीं है बेटा, यहाँ पर अगर सियाचिन ग्लेशियर है, सपोज यहाँ पर अगर सियाचिन ग्लेशियर है, सो फ्रॉम ले अगर यहीं तक मोटरेबल रोड है और उसके बाद यहाँ पर अगर पैदल रास्ता है, तो यहाँ अगर आप जाओगे ले से अगर आप सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जाओगे तो रास्ते में एक बड़ा फेमस पास है, यू माइट हैव हर्ड ऑफ इट, बच्चों ने सुना होगा, एंड द नेम ऑफ दिस पास इज खरदुंगला पास, खरदुंगला पास, सुना है आप लोगों ने, हाँ कभी सुना है खरदुंगला के बारे में, आपने देखा होगा जितने भी राइडर्स हैं जो हाँ बाइक्स ले जाते हैं, अच्छी अच्छी बुलेट हो गई, हार्ले डेविडसन हो गई, या कुछ लोग स्कूटी में भी जाते हैं, और बेसिकली कुछ लोग माउंटेन बाइक से भी वहाँ राइड करते हैं, तो साइकिल भी ले जाते हैं, ठीक है, इतने हाई ऑल्टीट्यूड में, तो लोग यहाँ ले जाके फिर फोटोग्राफ्स भी खींचते हैं, ठीक है। खरदुंगला पास, ला का मतलब ही पास है, ठीक है, और ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ठीक है, ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है। मैंने आपको सियाचिन ग्लेशियर के बारे में ये भी बताया था कि सियाचिन ग्लेशियर इज़ द हाईएस्ट, सियाचिन ग्लेशियर इज़ द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड वर्ल्ड वाइड, बेटा सबसे ऊंची युद्ध भूमि, सबसे ऊंची युद्ध भूमि दुनिया की, द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड वर्ल्ड वाइड, तो इससे आप ये समझ सकते हो कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं आर्मी के या सोल्जर्स हैं वो सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में रह रहे हैं बेटा, सियाचिन दुनिया की सबसे ऊंची। अच्छा उसके अलावा यहाँ पर आपका कराकोरम पास है और फिर यहाँ पर आपका अगिल पास है, कभी कभी ये भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स इंडिया टू तिब्बत रीजन, कौन कौन से ऐसे पासेस हैं, कभी कभी एग्जाम में ये भी आ सकता है, आपको 5-6 ऑप्शन दिए जाएंगे और विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स इंडिया टू तिब्बत रीजन, तो उसमें से एक ये काराकोरम पास है। काराकोरम पास अगेन किस कौन से रेंज में होगा, काराकोरम रेंज में, दिस इज काराकोरम पास, काराकोरम पास, दिस इज अघिल पास, अघिल पास, एग्जाम में एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस, बहुत सारे पासेस थे, विच ऑफ द फॉलोइंग पास लाइज इन द नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, द आंसर वॉज अघिल पास। अच्छा उसके अलावा मैंने वैसे बताया नहीं है क्योंकि मैंने कहा था कि जे एन के में बहुत सारे पासेस हैं, इवन हिमाचल प्रदेश में भी, सारे नहीं करने, कुछ एडिशनल लिखाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकता, आपको सारे बता नहीं सकता, ठीक है। श्रीनगर से अगर आप गिलगिट वाले पार्ट में जाओगे, गिलगिट ये कौन सा है बेटा, ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, अगर आप श्रीनगर से गिलगिट वाले रास्ते जाओगे, सपोज दिस पार्ट इज़ गिलगिट, मैंने बताया नहीं बच्चों को, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है, अगर जैसे अगर आप सोचो कि ये ऐसे ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो अगर आप श्रीनगर से गिलगिट वाले रीजन में जाओगे तो अगेन रास्ते में एक पास पड़ेगा, इन द नेम ऑफ दिस पास इज बुरजिल पास, ठीक है, बुरजिल पास। इसके अलावा भी काफ़ी पास हैं आपके, कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर पे, ठीक है। हम लोगों ने खास खास पास क्या पढ़े, हम आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम जम्मू से कहाँ जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे तो बनिहाल पास, पीर पंजाल रेंज है, यहाँ पर जवाहर टनल भी है विच इज़ अ रोड टनल। उसके बाद अगर हम श्रीनगर से ले जाएंगे, आप लोग जब भी जाओगे कभी घूमने के लिए तो सब चीज़ों को नोटिस ज़रूर करना, अगर आप श्रीनगर से ले जाओगे तो रास्ते में कौन सा पास पड़ेगा, जोजिला पास, ठीक है। अगर आप लेह से सियाचिन की तरफ जाओगे तो रास्ते में खरदुंगला पास पड़ेगा, खरदुंगला में हाईएस्ट, ये याद रखना लेह से सियाचिन तक रोड नहीं है, ठीक है, एक इनका बेस कैंप है सियाचिन से काफ़ी पहले, वहाँ से फिर हमारे ट्रूप्स और सोल्जर्स पैदल जाते हैं, ठीक है, दे ट्रैक एंड दे रीच सियाचिन, ठीक है, तो खरदुंगला पास, ठीक है, एंड इट इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड वर्ल्ड वाइड, ठीक है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन खरदुंगला, हाईएस्ट मोटरेबल रोड, इवन इसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं, और इंडियंस ने नहीं, बहुत सारे फॉरेन के जो एक्सप्लोरर्स हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है ऑन दिस खरदुंगला पास, ठीक है, अगर आप देखें तो। उसके अलावा अगर मैं अब हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में आऊँ,
ठीक है, अगर मैं अब हिमाचल, उसके अलावा भी बहुत सारे पास हैं, देन वी हैव चंगला ऑल्सो, ठीक है, चंगला अगर आपने, मैंने बच्चों से बताया था, सारी चीज़ें लिखाऊंगा मैं आपको अलग से, मैंने कहा था कि अगर आपने थ्री इडियट्स देखे हो तो आपने एक लेक देखी होगी एट द एंड ऑफ द फिल्म, एक लेक देखी ना आपने, ठीक है, हाँ कौन सी लेक है, हाँ पैंगोंग लेक है, और उस लेक के पास, उसको पैंगोंग सो भी बोलते हैं, टी एस ओ, ठीक है, सो मतलब लेक, अगेन इन तिब्बत, तो उस लेक के पास आप, उसके पास एक माउंटेन पास है जिसका नाम चांगला है, इस अगर आप विजिट करोगे कभी वहाँ भी जाओगे तो आपको रास्ते में पास भी मिल जाएगा चांगला, ठीक है। उसके बाद हम आए हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद अब आए हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में मैंने कहा आपसे बेटा कि अगर आप मनाली से, मैंने कहा था हिमाचल प्रदेश में क्या है, मनाली, अगर आप मनाली से ले जाओगे, अगर आप मनाली से ले जाओगे तो रास्ते में एक बड़ा फेमस पास पड़ेगा, टूरिस्ट स्पॉट है बेटा, द नेम ऑफ दिस पास इज, हाँ रोहतांग, रोहतांग ला या रोहतांग पास भी बोल सकते हो आप, इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश, रोहतांग पास सुना होगा आपने, बड़ा फेमस है, लोग जाते हैं यहाँ पर घूमने के लिए काफ़ी, ठीक है, इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मनाली टू ले कनेक्टिविटी है और एक रोडवेज की बस भी चलती है जो मनाली होते हुए ले जाती है फ्रॉम दिस रूट ओनली, ठीक है, उसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बनी है उस बस के ऊपर भी, कि वो ड्राइवर बड़ा ही स्किल्ड है क्योंकि इतने टफ रोड्स में वो गाड़ी चला रहा है, तो उसके ऊपर भी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक बारालाचा पास है, बारालाचा पास मंडी, मंडी इज़ अ प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, मंडी से अगर अगेन अगर आप लेह की तरफ जाओगे तो फिर से एक पास पड़ता है, उसका नाम है बारालाचा पास, ठीक है, लिखा दूंगा। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पासेज हैं, इसके अलावा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक रिवर एंटर करती है बेटा, फ्रॉम इट ओरिजिनेट्स बेसिकली फ्रॉम कैलाश मानसरोवर लेक, यहाँ पर अगर कैलाश मानसरोवर लेक है, वेरी गुड, कैलाश मानसरोवर लेक, तो एक रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसका नाम है सतलुज, वैसे तीन रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होती है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश मानसरोवर लेक, तीन रिवर्स हैं, एक तो है यहाँ से गई ऊपर जो वो है इंडस, एक है और यहां से जा रही है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, अच्छा सतलुज एंटर्स, सी हियर, सतलुज एंटर्स इन हिमाचल प्रदेश वाया अ पास, एंड द नेम ऑफ दिस पास इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या माना बेटा, माना इट इज इन उत्तराखंड, शिव किला, जो लोग उत्तराखंड के निवासी हैं उन्होंने माना नीति लिपुले के पासेस के नाम सुने होंगे, ठीक है, सो द नेम ऑफ दिस पास इज शिप किला, ठीक है, तो शिप किला इट इज इन हिमाचल प्रदेश, रोहतांग इट इज इन हिमाचल प्रदेश, रेस्ट ऑल ऑफ द पासेस आर इन जे एन के, तो इतना हमने किया था, और ये लिखना नहीं है बेटा, दिस यू हैव टू ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ इट एज सून एज पॉसिबल, जो नए बच्चे हैं दे कैन ड्रॉ इट, क्योंकि ऑलरेडी दिस वी हैव डन, ये हमने ऑलरेडी पुराने बच्चों के साथ किया है। फिर मैं उत्तराखंड में आता हूँ, क्योंकि ये सारी हमारी कौन सी रेंजेस चल रही हैं बेटा, ये सारी हमारी नॉर्दर्न माउंटेन्स चल रही हैं, ठीक है, इसमें ट्रांस हिमालयाज भी हैं, इसमें हिमालयाज भी हैं, ठीक है, तो ये हमारे सारे नॉर्दर्न माउंटेन्स वाली, अब हम आते हैं, फिर हमें आना पड़ेगा उत्तराखंड में, फिर हम आएंगे सिक्किम में, फिर हम आएंगे अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारे पासेस हैं बेटा, आपको कोई पासेस पता है अरुणाचल प्रदेश के, चलो कोई नहीं, ठीक है, अच्छा अगर मैं उत्तराखंड में आऊँ, चलो आप ड्रॉ करना, पहले मैं उत्तराखंड में आता हूँ, ठीक है, अगर मैं सिर्फ उत्तराखंड में आऊँ, अगर हम उत्तराखंड वाले रीजन में आएँ, दिस पार्ट इज उत्तराखंड, ठीक है, यूके लिख रहा हूँ मैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बाद फिर उत्तराखंड, अगर मैं उत्तराखंड वाले पार्ट में आऊँ तो उत्तराखंड में अगेन उत्तराखंड के मैं दो रीजन से गढ़वाल एंड कुमाऊँ, एंड कुमाऊँ रीजन में अराउंड 17 to 18 पासेज हैं, तो हमें सारे तो पढ़ने नहीं है, हमें तो सारे इंपॉर्टेंट पासेज पढ़ने हैं, इसमें सबसे पहले जो माउंटेन पास है द नेम ऑफ दैट पास इज थगला, अगेन ये सारे हमें किससे कनेक्ट कर रहे हैं, तिब्बत से, चाइना वाले रीजन से, द नेम ऑफ दिस पास इज थगला, थगला, थगला के बाद माणा, वी हैव दिस पास माणा, यहाँ पर भी लोग काफ़ी घूमने जाते हैं माणा, और दुनिया का सबसे हाईएस्ट पास है, दिस इज द हाईएस्ट पास वर्ल्ड वाइड माणा, अच्छा माणा के बाद वी हैव नीति पास,
और ये भी हमें किससे कनेक्ट कर रहा है, तिब्बत वाले रीजन से, और फाइनली यहाँ पर एकदम बॉर्डर में, हाँ, विच इज़ अ ट्राई जंक्शन बेटा, दिस पास इज अ ट्राई जंक्शन बिटवीन थ्री कंट्रीज, इंडिया, नेपाल एंड चाइना, एंड द नेम ऑफ दिस पास इज लिपुलेख पास। अच्छा, इस लिपुलेख पास की खास बात क्या है, चार इंपॉर्टेंट पासेस हमने उत्तराखंड में पढ़े, लिपुलेख सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, क्यों, क्योंकि बेटा कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है, यहाँ पर अगर ये जो कैलाश मानसरोवर है, इसको अबॉर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा भी कहते हैं हम, कैलाश माउंटेन को, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं इंडिया से भी या ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर आते हैं और ये यात्रा ज़रूर करते हैं, ठीक है, तो इंडिया से दो रास्ते हैं, वाया लिपुलेख और वाया नथुला, ठीक है, लिपुलेख वाला रास्ता थोड़ा सा टफ है, नथुला वाला थोड़ा सा ईजी है, लेकिन लिपुलेख वाला बहुत सुंदर है, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रीम्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे वाटरफॉल्स आपको मिलेंगे, ऐसे पहाड़ चढ़ोगे, ऐसे उतरोगे, हिमालयाज एंड ऑल, तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक, कैलाश मानसरोवर लेक, क्योंकि हर साल में होती है, जून जुलाई आने वाला है सीज़न इसका, तो अभी पेपर्स में भी आएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन दिल्ली से होते हैं, कैलाश मानसरोवर लेक, ये पैदल रास्ता है बेटा, तो मैंने ऐसे ऐसे रूट बना रखा आपका, देखो, तो कैलाश मानसरोवर लेक वाया लिपुलेख पास, ठीक है, तो अगर आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा करनी है तो कौन से पास के थ्रू करोगे आप, लिपुलेख, और वही फिर सिक्किम में भी है, ठीक है, अगर मैं सिक्किम की बात करूँ, देख लो, चलो देख लो, फिर आप लोग एक साथ ड्रॉ करना, ठीक है, अगर मैं सिक्किम की बात करूँ तो सिक्किम में देर इज अ माउंटेन पास, क्या नाम है इसका, अभी मैंने नाम बोला था, और ये तो सबसे पुराना पास है, क्योंकि यहाँ से इसको हम लोग सिल्क रूट भी कहते थे, क्योंकि यहाँ से हम तिब्बत के साथ ट्रेड करते थे सिल्क का, ठीक है, तो यहाँ से अगेन यू कैन गो टू कैलाश मानसरोवर यात्रा, देखो ना, यहाँ से इतना तक तो कहीं मोटरेबल है, ठीक है, उसके बाद फिर सीधा सीधा रास्ता है, पैदल काफ़ी चलना पड़ता है, लेकिन रास्ता सीधा है, यहाँ तो पहाड़ है ऊपर नीचे, ठीक है, अच्छा, द नेम ऑफ दिस पास इज नथुला, क्या है इसका नाम, नथुला, ला लगा दिया तो पास बोलने की ज़रूरत नहीं है, नथुला, ठीक है, और इसको सिल्क रूट भी कहा जाता था देश का, इसी के थ्रू पहले पुराने ज़माने में ट्रेड होता था, यहीं से हम लोग कहाँ जाते थे, तिब्बत वाले रीजन पे, अगेन कैलाश मानसरोवर यात्रा वाया नथुला, ये भी मैं आपको लिखाऊंगा, देयर इज़ वन मोर पास, क्या नाम है इसका, जेलिपला, ठीक है, ये तो आपका भूटान वाला पोर्शन है, जेलिपला के भी थ्रू आप कहाँ जाओगे, तिब्बत वाले रीजन में, जेलिपला, ठीक है, मैं जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं सबको कवर कर रहा हूँ, आपके पांच हिमालयन स्टेट्स हैं जिसमें से सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, फिर दूसरा हिमाचल प्रदेश, फिर तीसरा उत्तराखंड, और सेकंड फोर्थ इज सिक्किम, एंड द फिफ्थ लास्ट इज अरुणाचल प्रदेश, अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारे पासेस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पासेस हैं, और इसमें जो सबसे पहला पास है, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे पासेस हैं और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सो वी हैव बूमला, आप एक इसके ना जोग्राफिकल लोकेशन ज़रूर देखना, कोऑर्डिनेट ज़रूर देखना, ठीक है, तवांग डिस्ट्रिक्ट में वी हैव बूमला, इस एग्ज़ाम में आया था ये, देन वी हैव सेला पास, तो मैं बहुत पास पास है बेटा, मैं अगल बगल बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, लेकिन आप इनको प्रॉपर स्केल्स में एटलस में ज़रूर देखिएगा, ठीक है, वी हैव बूमला, वी हैव सेला पास, ये आगे पीछे ही हैं, बहुत पास पास हैं, एंड देन वी हैव बॉमडिला, वी हैव बॉमडिला, ठीक है, अच्छा एक पास यहाँ पर भी बेटा आपके, ठीक है, अगेन इट इज़ अ ट्राई जंक्शन, जितने पासेस आपके ट्राई जंक्शन उसके बारे में बात करूँगा, इट इज़ अ ट्राई जंक्शन बिटवीन थ्री कंट्रीज, कौन कौन सी होंगी वो, इंडिया, चाइना एंड म्यांमार, ठीक है, तो द नेम ऑफ दिस पास इज दीफू पास, क्या नाम है इस पास का, दीफू पास, ये मैं सारा लिखाऊंगा आपको, दीफू पास इज अ ट्राई जंक्शन बिटवीन थ्री कंट्रीज, इंडिया, म्यांमार एंड चाइना, हेयर लिपुलेख इज अ ट्राई जंक्शन ऑफ अगेन थ्री कंट्रीज, इंडिया, नेपाल एंड, ठीक है, अब उसके बाद सदर्न पार्ट में भी हैं, चार इंपॉर्टेंट पासेस हैं, वो भी मैं आपको करा दूँ, सदर्न पार्ट में, वेस्टर्न घाट्स में, खासकर ईस्टर्न घाट्स में कोई पासेस नहीं, क्योंकि ईस्टर्न घाट हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ना है हमें, ईस्टर्न घाट हमारी डिसकंटिन्यूअस है, इट्स अ डिसकंटिन्यूअस रेंज,
ना, उसमें पांच सब रेंजेस हैं, तो वहाँ पर कोई माउंटेन पास नहीं होंगे। माउंटेन पासेस कहाँ होंगे? वेस्टर्न घाट्स में, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स के आपके कॉन्टिन्यूस हैं। तो अगर मैं वेस्टर्न घाट्स की बात करूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही रफ बना रहा हूँ, सपोज अगर ये वेस्टर्न घाट्स हैं आपके, सपोज ये अगर वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स, तो इसमें दो माउंटेन पास तो आपके महाराष्ट्र में है। अच्छा, आपके लिए क्या लिखना जरूरी है, आपके लिए स्टेट्स लिखना जरूरी है। ये सारे पास कहाँ हैं? उत्तराखंड के, ठीक है। ये नथुला जलेपला, ये दोनों पासेस कहाँ के हैं? सिक्किम के। और ये बुमला सेला बॉमडिला डिफू, ये सारे कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश। ए आर पी आर लिखूंगा मैं, ए आर पी आर, ए पी मतलब आंध्र प्रदेश, ए आर पी आर मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ वेस्टर्न घाट्स की। तो वेस्टर्न घाट्स में हमारा जो ये पास है, इसका नाम है थाल घाट, इट इज इन महाराष्ट्र। फिर एक और पास है महाराष्ट्र में। तो वेस्टर्न घाट्स में हमारे चार और पासेज हैं, जिसमें से दो पासेज हमारे महाराष्ट्र में हैं, जिनका नाम है थाल घाट और भोर घाट, और दो पास हमारे केरला में, जिसका नाम है पाल घाट एंड सेनकोटा पास, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स आपकी कॉन्टीन्यूस रेंज है एंड दे आर हायर्स एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टीन्यूस, सो यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल पास इन ईस्टर्न घाट्स, क्योंकि ईस्टर्न घाट्स में बेटा क्या है, वो डिसकंटीन्यूस है ना, तो वहाँ पर पास की ज़रूरत ही नहीं हमें। तो जो अगर कोई ऐसा डिसकंटीन्यूस रेंज है, तो फिर ये नेविगेबल रूट हो जाएगा बीच से, तो वहाँ पर हम लोग माउंटेन पास वहाँ पर होते नहीं है बेसिकली। माउंटेन पास तो वहीं होंगे जहाँ पर कॉन्टीन्यूस रेंज होगी, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड अवर माउंटेन पास। अभी भी बहुत सारे हैं जो मैंने आपको नहीं कराए हैं, ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ऐसे बहुत सारे पासेस हैं जो नहीं लिखवाए, वो मैं आपको लिखवा लेता हूँ कुछ एडिशनल, ठीक है। ये सारे नाम अच्छे से, नथुला जलेपला बुमला सेला, बुमला एग्जाम में आया है बेटा, क्योंकि सारे बॉर्डर्स एरियाज हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन या कुछ ना कुछ वायलेंस होता रहता है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप में एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज़ ट्रूप्स हाथापाई कर रहे हैं, कौन से लेक के किनारे था वो? पैंगोंग। तो लेक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए एग्जाम में, देखा आपने, वीडियो वायरल हुआ था, लात घुसे मार रहे हैं एक दूसरे को अगर आपने, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, देखो करंट अफेयर्स का पार्ट था, डोकलाम वाला इशू, ठीक है, डोकलाम वाले इशू से पास से रिलेटेड आ गया था, क्योंकि जितनी भी फ्लैंग मीटिंग्स होती हैं, कहीं बुमला पास में, कहीं सेला पास में, ठीक है।